इन पैराग्राफ 5 हम लोग पढ़ेंगे बिस्मिल्ला खान का इंटरेस्ट म्यूजिक के प्रति कैसे जागा। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ। उस लड़के ने म्यूजिक को बहुत ही कम उम्र में, छोटेपन में ही अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3, 3 साल की उम्र में, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस, जब उसकी मदर उन्हें लेकर उसके मामा जी के घर गई इन बनारस, बनारस अभी जो वाराणसी है उसमें बनारस था, तो बिस्मिल्ला खान जब 3 साल की उम्र के थे तो उनकी मदर उन्हें लेकर के बिस्मिल्ला खान के मामा जी के घर गई। बिस्मिल्ला वाज फैसिनेटेड वाचिंग हिज अंकल प्रैक्टिस द सहनाई। वहाँ बिस्मिल्ला अपने अंकल को सहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखकर मंत्रमुग्ध हो जाया करते, यानी बहुत ही गौर से देखा करते थे, सब कुछ भूलकर उन्हें सहनाई की प्रैक्टिस करते हुए देखा करते थे। सुन बिस्मिल्ला स्टार्टेड एकम्पेनिंग हिज अंकल अली बक्स टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस, वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई। और जल्दी ही फिर बिस्मिल्ला अपने अंकल अली बक्स के साथ विष्णु टेम्पल भी जाने लगे, बनारस के विष्णु टेम्पल, वेयर बक्स वॉज एम्प्लॉयड टू प्ले द सहनाई, जहाँ अली बक्स सहनाई बजाने का काम किया करते थे। मंदिर में उन्हें नौकरी मिली थी सहनाई बजाने की। अली बक्स वुड प्ले द सहनाई एंड बिस्मिल्ला वुड सिट कैप्टिवेटेड फॉर आवर्स ऑन एंड। वहाँ टेम्पल में अली बक्स तो सहनाई बजाया करते थे और बिस्मिल्ला सब कुछ भूलकर, सारी सुरबत भूलकर घंटों एक किनारे बैठ के उन्हें सहनाई बजाते हुए देखते रहते थे। स्लोली ही स्टार्टेड गेटिंग लेसन्स इन प्लेइंग द इंस्ट्रूमेंट। जल्दी ही उन्होंने, यानी बिस्मिल्ला खान ने, सहनाई को बजाने के लेसन्स सीखने शुरू कर दिए। एंड वुड सिट प्रैक्टिसिंग थ्रू आउट द डे, और दिन भर बैठ करके सहनाई बजाने की प्रैक्टिस किया करते। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ गंगा बिकेम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। और आने वाले सालों में तो बालाजी टेम्पल, मंगला मैया टेम्पल और गंगा जी का किनारा, बैंक्स ऑफ गंगा, उस युवा अप्रेंटिस, अप्रेंटिस मीन्स वो जो सीखने की कोशिश करता है, तो उस युवा अप्रेंटिस का फेवरेट प्लेस बन गया, बसेरा बन गया, वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहाँ वह अकेले घंटों प्रैक्टिस कर सकते थे या किया करते थे। द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई। वहाँ बहती हुई गंगा के आवाज़ को सुन करके उन्हें इंस्पिरेशन मिलता था, उन्हें कोशिश करने की सांत्वना मिलती थी, हिम्मत मिलती थी कि वो नए नए राग ढूंढ सकें, ऐसे राग जो कि सहनाई की सीमा से परे थे, बियॉन्ड द रेंज ऑफ द सहनाई, सहनाई की सीमा से परे थे। ऐसा कहने से राइटर का मतलब है कि ऐसे बहुत सारे राग, बहुत सारे रागाज जो कि पहले सहनाई के ऊपर बजाए नहीं जा सकते थे, लोगों ने कोशिश की होगी लेकिन उसमें उन्हें सक्सेस नहीं मिला होगा, तो राइटर ने लिखा ऐसे राग, ऐसी ट्यून जो कि पहले सहनाई पे कभी नहीं बजाई जा सकी, उन सारे ट्यून को भी बिस्मिल्ला खान ने वहाँ बैठकर बजाने की कोशिश की और बजाया, बजाया मीन्स बजाना सीखा। एट द एज ऑफ 14 बिस्मिल्ला एकम्पनीड हिज अंकल टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। 14 साल की उम्र में बिस्मिल्ला खान को मौका मिला अपने अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाने का। इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था म्यूजिशियंस का। एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल, जब वहाँ बिस्मिल्ला खान ने अपना परफॉर्मेंस दिया, अपना गाना गाया, उस्ताद फयाज खान पैटेड द यंग बॉयज बैक एंड सेड, तो उस समय के बड़े मशहूर उस्ताद हुआ करते थे फयाज खान, उन्होंने उस यंग बॉय की पीठ थपथपाते हुए कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, कड़ी मेहनत करो और शायद तुम इसे संभव कर सको, तुम कुछ करके दिखाओगे। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 केम बिस्मिल्लाज बिग ब्रेक। और फिर 1938 में जब लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई तो वहीं से बिस्मिल्ला खान को लाइफ में बड़ा ब्रेक मिला। ही सुन बिकेम एन ऑफन हर्ड सहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और अब वो अक्सरहा सुने जाने वाले कलाकार बन गए, अक्सरहा ही लोग उनके सहनाई बजाने की आवाज को ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू सुना करते थे। दैट मीन्स रेडियो पे उनके प्रोग्राम डेली आने लगे, अक्सर आने लगे और लोग उनके बारे में जानने लगे। पैराग्राफ 7,
When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his sehnai. और जब फिर भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्ला खान वो पहले इंडियन म्यूजिशियन थे जिन्होंने अपने म्यूजिक से भारत की आज़ादी का स्वागत किया, अपने देश का सहनाई से स्वागत किया. ही पोर्ड हिज हार्ट आउट इन टू रॉक काफी फ्रॉम द रेड फोर्ट टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू. और फिर उन्होंने 15 अगस्त के अवसर पर रेड फोर्ट से अपना सहनाई का प्रोग्राम दिया और राग कैफी बजाते हुए जैसे उन्होंने अपने अंदर छुपी हुई सारी कला को निकालकर सामने रख दिया था अपने ऑडियंस के सामने, ऑडियंस जिनमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल थे, हु लेटर गेव हिज फेमस स्पीच, जिन्होंने आगे चलकर उसी दिन बिस्मिल्ला खान की सहनाई के तुरंत बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने लाइफ का सबसे फेमस स्पीच दिया था, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी. ट्रस्ट विथ डेस्टिनी उनके द्वारा दिए गए स्पीच में सर्वश्रेष्ठ था और अभी भी इतिहास की धरोहर है. बिस्मिल्ला खान हैज गिवन मेनी मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस बोथ इन इंडिया एंड अब्रॉड. बिस्मिल्ला खान ने कई सारे यादगार परफॉर्मेंसेस दिए हैं इंडिया में भी और इंडिया के बाहर भी. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वॉज टू अफगानिस्तान. उनका ऐसा पहला टूर, विदेश का पहला दौरा अफगानिस्तान का दौरा था, वेयर किंग जहीर शाह was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. और अफगानिस्तान का किंग जहीर शाह इस विशेषज्ञ से, इस संगीतकार से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, इतना ज़्यादा उसने बिस्मिल्ला खान की सहनाई को लाइक किया कि उसने बहुत सारे पर्शियन कारपेट्स और ऐसी बहुत सारी निशानियाँ, प्राइसलेस ऐसे बहुत सारी निशानियाँ बिस्मिल्ला खान को दी. The king of Afghanistan was not the only one to be fascinated with Bismillah's music. और अफगानिस्तान का वो राजा सिर्फ एक ही आदमी ऐसा नहीं था जो कि बिस्मिल्ला के म्यूजिक के वसीभूत था या म्यूजिक का फैन था. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्ला प्ले. फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट तो बिस्मिल्ला खान को म्यूजिक बजाते हुए देख के, सहनाई बजाते हुए देख के इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए, इतने ज़्यादा प्रभावित हुए दैट ही नेम्ड अ फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई, कि उन्होंने सहनाई के नाम पर एक पिक्चर ही बना दी, बड़ी मशहूर पिक्चर गूंज उठी सहनाई. द फिल्म वॉज हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्ला खान्स कंपोजिशंस दिल का खिलौना हाई टूट गया टर्न्ड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर. वो फिल्म काफ़ी मशहूर हुई, हिट हुई और उसमें बजाया गया बिस्मिल्ला खान का एक गाना दिल का खिलौना हाई टूट गया, वो पूरे देश में चार्ट बस्टर बन गया, यानी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन सेल्यूलाइड वर्ल्ड. सेल्यूलाइड वर्ल्ड मीन्स फिल्मी दुनिया. देन राइटर हैज रिटन हियर, कोटेड हियर, डिस्पाइट हिज ह्यूज सक्सेस फिल्मी दुनिया में मिलने वाले बेशुमार सफलता के बावजूद, बिस्मिल्ला खान्स वेंचर इन फिल्म, बिस्मिल्ला खान का फिल्मों में परिचय वर लिमिटेड टू टू, सिर्फ दो फिल्मों तक रहा, यानी फिल्मी दुनिया से बिस्मिल्ला खान का रिलेशन सिर्फ दो फिल्म का था. पहली फिल्म थी विजय भट्ट गूंज उठी सहनाई और दूसरी फिल्म थी विक्रम श्रीनिवासाज कन्नड़ वेंचर शनधि अपन्ना. उन्होंने दो प्रोजेक्ट में काम किए, पहला तो विजय भट्ट का गूंज उठी सहनाई और दूसरा एक साउथ के फिल्म प्रोड्यूसर थे विक्रम श्रीनिवासा, उनकी एक पिक्चर थी शनधि अपन्ना और वो पिक्चर कन्नड़ भाषा में बनी थी. आई जस्ट कैंट कम टू टर्म्स विद द आर्टिफिशियलिटी एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड ही सेज विद एम्फेसिस. बिस्मिल्ला खान जोर देते हुए कहते हैं कि मैं फिल्मों के चमक दमक और उसके बनावटीपन के साथ अपना तालमेल नहीं कर सकता, समझौता नहीं कर सकता. इन पैराग्राफ 9 अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट. थिक एंड फास्ट मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में आना, बहुत ज्यादा मात्रा में मिलना और बहुत तेजी से मिलना. तो पुरस्कार और पहचान ये तो बिस्मिल्ला खान को बहुत तेजी से मिला और बहुत ही ज्यादा मात्रा में मिला, भारी मात्रा में.
बिस्मिल्ला खान बिकम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्ला खान ऐसे पहले भारतीय बन गए टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऐसे पहले भारतीय बन गए जिन्हें कि अमेरिका के बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में जाकर के अपना म्यूजिक प्रोग्राम देने का गौरव प्राप्त हुआ। ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन, उन्होंने विश्व स्तर पर होने वाली बहुत सारी संगीत प्रदर्शनियों में भी हिस्सा लिया। इन मॉन्ट्रियल इन द केन्स आर्ट फेस्टिवल, मॉन्ट्रियल में केन्स आर्ट फेस्टिवल में उन्होंने हिस्सा लिया। और दूसरा था इन द ओसाका ट्रेड फेयर, ओसाका शहर में होने वाले ट्रेड फेयर में भी उन्होंने हिस्सा लिया। वहाँ पे बहुत ही प्रेस्टिजियस एक्सपोजिशंस होते हैं ये, और वहाँ पे सारे लोगों को नहीं बुलाया जाता, जिनमें कुछ बेहद खास होता है, बहुत ही जो रेयर टैलेंट होते हैं, सिर्फ उन्हें वहाँ पे हिस्सा लेने के लिए बुलाया जाता है। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज़्यादा मशहूर हुए कि तेहरान में, तेहरान कैपिटल सिटी है ईरान का, तो तेहरान में उनके नाम से एक ऑडिटोरियम ही बनवा दिया गया उनके सम्मान में, और उसका नाम रखा गया तहर मौजिक उस्ताद बिस्मिल्ला खान, और उस ऑडिटोरियम का नाम बिस्मिल्ला खान के नाम के ऊपर रखा गया, तहर मौसिकी उस्ताद बिस्मिल्ला खान। तो ऐसी सफलता, बेशुमार सफलता बिस्मिल्ला खान ने हासिल किया था और हमारे कंट्री का गौरव बढ़ाया। अपने कंट्री के कई सारे नेशनल अवार्ड्स इन पैराग्राफ 10, नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कॉन्फर्ड ऑन हिम। तो अपने कंट्री के जो बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड्स हैं, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ऐसे पुरस्कार तो उनके ऊपर भारत सरकार ने न्योछावर कर दिया। इन पैराग्राफ 11, इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान वॉज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। इन द ईयर 2001 उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। दैट मीन्स इससे बड़ा कोई पुरस्कार है ही नहीं, द भारत रत्न। ये बहुत ही रेयर है और बहुत ही खास लोगों को, बहुत ही कम लोग हैं जिन्हें कि ये भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। तो 2001 में बिस्मिल्ला खान को भारत सरकार ने भारत रत्न का पुरस्कार दिया विथ द कोवेटेड अवार्ड रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट एंड हिज आईज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस ही सेड। सीने पे सर्वोच्च सम्मान का मेडल और आंखों में उस सम्मान की चमक लिए हुए उन्होंने बहुत ही खुशी के साथ, अनूठी खुशी के साथ कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से इज, मैं जो कहना चाहूँगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को म्यूजिक सिखलाइए। दिस इज हिंदुस्तान्स रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे समृद्ध, सबसे रिच परंपरा है, ट्रेडिशन है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, अपने इंडिया की बात तो छोड़िए, अब तो वेस्ट भी हमारे संगीत को सीखने के लिए हिंदुस्तान की तरफ आ रहा है। अब तो बाहर के लोग भी, विदेशों के लोग भी हमारे कंट्री का म्यूजिक सीखना चाहते हैं। इन पैराग्राफ 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया की यात्रा कर लेने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, ये जो अपने खान साहब हैं, खान साहब ऐसा ही लोग उन्हें प्यार और सम्मान से बुलाते हैं, उन्हें उनका पुकारो नाम सम्मान के साथ लोग उन्हें खान साहब बुलाते हैं। तो अपने ये जो खान साहब हैं, इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ बनारस एंड डुमराव, उन्हें अपने बनारस और डुमराव से बहुत ही ज़्यादा लगाव है। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये दोनों शहर अभी भी उनके लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन शहर हैं। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू हेड ए सहनाई स्कूल इन द USA, उनके एक स्टूडेंट ने, वो ये चाहता था, उन्होंने अपना, उसने, उस स्टूडेंट ने अपना प्रपोजल रखा अपने खान साहब के पास कि आप USA में एक स्कूल खोल दीजिए, मैं एक स्कूल ओपन कर देता हूँ, सहनाई स्कूल, और आप उसके हेड बन जाइए। एंड द स्टूडेंट प्रोमिस टू रिक्रिएट द एटमोसफेयर ऑफ बनारस बाई रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। उस स्टूडेंट ने कहा, आपको बनारस जैसा माहौल चाहिए ना, तो मैं बनारस जैसा एटमोसफेयर यहाँ क्रिएट कर दूंगा,
बाय रेप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर, बनारस में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, मैं यहाँ भी बहुत सारे टेम्पल्स बना दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। तो अपने खान साहब ने अपने स्टूडेंट से कहा, ठीक है अगर तुम गंगा नदी को भी ट्रांसपोर्ट करके उठा करके और यहाँ ले आओ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। दैट मीन्स ही वॉन्टेड टू टेल हिज स्टूडेंट दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू क्रिएट बनारसेज लाइफ एंड बनारसेज एटमोसफेयर आर्टिफिशियली एट एनी अदर प्लेस। इतना इम्पॉर्टेंट था बनारस अपने खान साहब के लिए। लेटर ही इज रिमेंबर टू हैव सेड, उसके बाद उन्होंने जो कहा था वो याद किया जाता है। दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन अ फॉरन कंट्री आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान। गंगा नदी ही वो वजह है कि जब भी कभी मैं विदेशों में होता हूँ, किसी दूसरे कंट्री में होता हूँ, तो भी हर पल मुझे अपने हिंदुस्तान की याद आती रहती है और हर पल मैं वापस अपने हिंदुस्तान जाना चाहता हूँ। वाइल इन मुंबई आई थिंक ऑफ ओनली बनारस एंड द होली गंगा। अरे मैं तो जब मुंबई में भी होता हूँ तो सिर्फ बनारस और वहाँ की गंगा नदी के बारे में सोचता रहता हूँ, वहाँ की पवित्र गंगा। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मठ ऑफ डुमराओं, तब मुझे हमेशा डुमराओं के मठ की याद आती रहती है। पैराग्राफ 13, उस्ताद बिस्मिल्ला खान लाइफ इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। बिस्मिल्ला खान का लाइफ एक परफेक्ट एग्जाम्पल है भारत के समृद्ध कल्चरल हेरिटेज का, भारत की सोच का, भारत के संस्कार का और भारत के गौरव का। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट दैट अ डिवोट मुस्लिम लाइक हिम कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल। इससे बढ़िया क्या एग्जाम्पल हो सकता है, कोई भी इसे आसानी के साथ स्वीकार भी करेगा कि उस्ताद बिस्मिल्ला खान, दैट मीन्स अपने खान साहब, उनके जैसा एक डिवोट मुस्लिम, उनके जैसा सच्चा मुसलमान भी कितनी आसानी के साथ हर सुबह काशी विश्वनाथ टेम्पल में जा करके और अपनी शहनाई बजाने का अभ्यास कर सकता है। ये आपके चैप्टर में एक बॉक्स्ड पोर्शन है और इसे खास तौर पे हाईलाइट किया गया है डिफरेंट कलर में। ये उस्ताद बिस्मिल्ला खान की लाइफ से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ तो क्या आप या आपके परिवार वालों ने ये नहीं सोचा कि हम लोग भी पाकिस्तान चले जाएं? बिस्मिल्ला खान ने जवाब दिया, मैं बनारस छोड़ दूं, मी लिव बनारस, मैं बनारस छोड़ दूं, गॉड फॉरबिड, तौबा तौबा, नेवर, कभी ऐसा नहीं हो सकता। हाँ मैं पाकिस्तान गया, सिर्फ नाम को गया, बॉर्डर पार किया मैंने, 1 घंटे वहाँ जाके रहा और उसके बाद मैंने वहाँ पाकिस्तान वालों को नमस्कार कहा और वापस आ करके अपने हिंदुस्तान को हमने सलाम अलैकुम कहा। तो ये अपने बिस्मिल्ला खान थे, इनसे बड़ा पैट्रियट तो शायद ही हिंदुस्तान की धरती पे होगा।